जो पहला पार्ट है इसके अंदर दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड सेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एप्टीट्यूड सेक्शन है, ये सेक्शन आपके पास 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। ये वो सेक्शन है कि जिसको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो दिस इज श्योर कि आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स इसमें हासिल कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि हम लोग जब इसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो एक मामला दरपेश आता है, वो ये है कि हम इसको छोड़ देते हैं। जिन लोगों का थोड़ा सा अच्छा बैकग्राउंड होता है वो इसलिए छोड़ देते हैं इसे कि जी ये तो मैथ तो मुझे आती है जी। जिन लोगों का इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है या जिन लोगों का कोई और इस तरह का बैकग्राउंड है वो तो इस चक्कर में छोड़ देते हैं कि जी मैथ तो हमें आती है, हमें वो प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कल मैं जब क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए, इंजीनियर्स ने सबसे ज़्यादा गलत किए। क्यों? बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। अगर इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ये 20 आउट ऑफ 20 दे सकता है, मेरे साथ आए सिलेबस पे इसमें क्या होता। नंबर एक पे होता है आपका बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक्स, इसमें आपके पास सबसे पहली चीज आती है बॉड मास। बॉड मास क्या होता है जी? ब्रैकेट या बार, देन ऑर्डर, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ये आपके पास बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक्स आती हैं। नंबर दो पे हमारे पास आ जाता है इसमें जो क्वेश्चन आता है दैट इज रिलेटेड टू, डोर बंद कर दीजिएगा, दैट इज रिलेटेड टू बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक्स के अंदर हमारे पास जो दूसरी चीज़ आ रही है वो आ जाती है आपकी बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज़ आती है दैट इज बेसिक्स ऑफ जियोमेट्री। ये तीन चीज़ें तो बेसिक्स में आ जाती हैं, कुछ चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास अप्लाइड। जैसे हमारे पास आ जाता है स्टैटिस्टिक्स से मुतल्लिक चीज़ें जिसे आप कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में चार चीज़ें आती हैं, रेंज, मीन, मीडियन, मॉड। ये चार चीज़ें सेंट्रल टेंडेंसी में आ जाती हैं। देन हमारे पास आ जाता है नंबर पाँच पे परसेंटेज। नंबर छः पे हमारे पास प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, डेप्रिसिएशन, लाइकवाइज दीगर इससे मिलती जुलती चीज़ें। ये आपके छठे नंबर पे आ जाएंगी कि इसमें इस एप्टीट्यूड वाले सेक्शन के अंदर। नंबर सात में जो चीज़ हमारे पास आएगी दैट विल बी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का एक सवाल पेपर में लाजमी आता है। नंबर आठ में हमारे पास, चलें इतना ही काफ़ी है, मज़ीद भी इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, अभी मैं इसको इतना ही आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये सारा वो पोर्शन है जो बचपन से लेके अब तक आप पढ़ते आए हैं, और ये वो चीज़ें हैं कि जिनके अंदर आपने एक फार्मूला लगाया और फार्मूला लगाने के बाद आपने सोचा एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके और हल हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? एक्चुअल प्रॉब्लम आती है इसके एप्टीट्यूड वाले सेक्शन पे, जिसको आप कहते हैं जी एप्टीट्यूड सेक्शन। एप्टीट्यूड सेक्शन के अंदर आपके पास क्या क्या आता है? एप्टीट्यूड सेक्शन में नंबर एक पे आपके पास आएगी जो पहली चीज़ दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आएगी लॉजिकल रीजनिंग के बाद हमारे पास दैट विल बी ट्रेन्स, टनल्स, ब्रिजेस, प्रॉब्लम्स। नंबर तीन पे आ जाएगा आपके ब्लड रिलेशन,
कि वो जो अक्सर आता है कि फलां की नानी की दादी की बहन की माँ के वालिद आपके क्या लगेंगे, तो जो इस तरह के अजीबोगरीब किस्म के क्वेश्चंस होते हैं इनको हम ब्लड रिलेशन टेस्ट कहते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जिनको आप बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नंबर चार पे आ जाएंगी एज प्रॉब्लम्स। नंबर पाँच पे हमारे पास आ जाएगा कैलेंडर प्रॉब्लम्स। अगर आप मुझे अभी पूछें कि सर फलां तारीख को कौन सा दिन था, तो विद द कैलकुलेशन ऑफ टू और थ्री लाइंस आई कैन टेल यू कि जनाब जिस दिन ज़ियाउल हक ने भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया उस दिन कौन सा दिन था, आई कैन टेल यू जस्ट एक छोटी सी कैलकुलेशन करके। ये होता है कैलेंडर प्रॉब्लम, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आर सिलेबस। पहले ये इंडियन एप्टीट्यूड एग्जाम्स में तो आ रहा होता था, आई वॉज टीचिंग सिंस देन, लेकिन अब ये पाकिस्तान में FPSC ने भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। कैलेंडर प्रॉब्लम्स जो हैं ये आपको सीखनी पड़ेंगी। यहाँ पे आपके पास जो छठी चीज़ आती है दैट इज़ क्लॉक प्रॉब्लम्स। क्लॉक प्रॉब्लम्स के अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है क्लॉक का एंगल। आपको पता है क्लॉक के जो हमारे पास एनालॉग क्लॉक होता है उसके ऊपर सुइयां बनी हुई होती हैं और एक को हम मिनट हैंड कहते हैं, एक को हम आर हैंड कहते हैं। तो जब ये मूव कर रही होती हैं इनके दरमियान एंगल बनता है। सो ज़िंदगी में तो इसका कोई काम हो ना हो, लेकिन यहाँ पर ये आपसे पूछ सकता है जी 10:30 हो गए हैं तो दोनों सुइयों के दरमियान एंगल कौन सा। सो इस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। देन देयर कम्स टाइम डिफरेंस, लाइक पाकिस्तान का और ईरान का जो टाइम डिफरेंस है दैट इज़ वहाँ पे है GMT+4.5, हमारा है GMT+5। तो अब जो इन दोनों का डिफरेंस है, अब एक फ़्लाइट वहाँ से चली है जो कि 1.5 घंटा ट्रैवल करती है, वहाँ से चली है वो 1:30 AM पे, पाकिस्तान पे जब पहुंचेगी तो उस टाइम पे टाइम क्या होगा। तो इसके अंदर दो चीज़ें, एक टाइम लैप्स जो टाइम डिफरेंस है GMT का वो, प्लस जो ट्रैवल टाइम है, इन दोनों चीज़ों को काउंट करके आपने आंसर निकालना होता है। क्लॉक प्रॉब्लम्स इस तरह से दो तरह की होती हैं आपकी। ये मैंने आपको बताई हैं 7 और 6, कोई 13 तरह की चीज़ें बताई हैं। इन 13 के अलावा 7 या 8 टाइप्स और हैं जिनको अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये कोई 20+ हमारे पास टाइप्स बनती हैं। इन टाइप्स को अगर आप अच्छे से, अच्छा लेटर सीरीज़ और नंबर सीरीज़ भी बता देता हूँ आपको, ये भी पेपर में आ रहा होता है और ये तो PPSC में तो अक्सर आता है, लेकिन ये FIA के पेपर के अंदर भी इनमें से एक आधा सवाल पेपर में लाजमी आएगा, लेटर सीरीज़ एंड नंबर सीरीज़। इस तरह वर्क शेयर प्रॉब्लम एंड लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ये कुछ 20-22 टाइप्स बनती हैं टोटल। और हर टाइप के अंदर जैसे हमारे पास ये जो चीज़ें हमने लिखी हैं तो 2-2, 3-3 सब टाइप्स हैं, तो टोटल यानी कि 60 के करीब 70 के करीब फार्मूलाज बनते हैं जिनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। जब आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसके बाद आपके ये मैथ्स के अंदर, अगर ये इंस्पेक्टर का पेपर है तो 20 out of 20 और असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर है तो 16 out of 16 मार्क्स ईजिली आ सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आप इस पे, इस सेक्शन पे मेहनत करें। वी विल मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट पोर्शन, मेरे साथ रहिए।